अरे मिश्री, वो पैसे मैंने कुछ बजा के रखे थे ड्रॉर में, जरा चेक करना। ऑनर वो तो मकान मालिक को दे दिए ना। अभी भी हमारे पास पैसे हैं ऑनर। कहाँ है? ये लीजिए, इसको जाके बेच दीजिए। हाँ, थोड़े बहुत पैसे तो आ ही जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम मिश्री? मेरे होते हुए तुम्हें अपने गहने बेचने पड़ेंगे, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। ये लो पकड़ो और चुपचाप पहन लो इसे, अगली बार से इसे बेचने की बात मत करना। ऑनर मेरी बात तो सुनिए। अच्छा ठीक है, बेचिए मत, आप कम से कम इसे गिरवी तो रख सकते हैं ना। अरे जब आपकी नौकरी लगेगी तब इसको छुड़वा लेंगे, ठीक है? और वैसे भी ऑनर, ये कहने हमारी परी से बढ़कर थोड़ी ना है। अभी जब जरूरत के वक्त ही काम नहीं आएंगे तो फिर इनका फायदा ही क्या है? एक काम करते हैं, एक बार आपकी नौकरी लगेगी तो मैं खुद आपसे कहूंगी कि जाइए, आप मेरी चेन छुड़वा के लाइए, ठीक है? आई एम सॉरी, आपको यहाँ जॉब नहीं मिल सकता। जाइए ना ऑनर, देखिए परी कितना रो रही है। जाइए ना। क्या हो गया परी को? आहा, चुप हो जा बेटा। ओ माय गॉड, इट वाज जस्ट वाव, यू आर फैबुलस ओवी। यू नो व्हाट, जब से लोगों ने तुम्हें रैंप पर देखा है ना, मेरा फोन कंटिन्यूअसली बज रहा है। सी वन मोर या वैभव, टेल मी यार, आई नो आई हैव टू गेट बैक टू यू। पहले मुझे ओवी जी से बात करने दे, ओके? नाउ डोंट कॉल मी बैक। ओ गॉड, ये है सुपर मॉडल ओवी का ऑरा। आज इतने दिनों बाद तुमने रैंप पर कम बैक किया है, बट तुम्हारा मिरेकल आज भी वही है। यू नो, आज भी तुम्हारे जैसे मॉडल की वजह से लोग एक इंडियन फेस को अपना शो स्टॉपर बनाते हैं। खैर छोड़ो यार, ये बताओ कैसा फील कर रही हो? नाइस। आर यू श्योर? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, I'm little tired, तो ओवी यार, बहुत सारे शोज हैं, मुझे उसके बारे में तुमसे बात करनी है। Listen, Mark, I need to change, तो हम ये सब बाद में बात करेंगे। Please leave. Cool, no problem. अरे बाप रे, अरे अरे देवा, अरे देवा देवा देवा, ओह अरे बाप रे, आई, अरे बाप रे थकली मी, अरे बाप रे थकली मी, अरे तेजू, हाँ, अच्छा हो गया तू जल्दी आ गई, वरना मैं अभी निर्मला ने नया घर लिया ना, वहाँ देखने के लिए बुलाया था, जाने वाली थी। हाँ, अच्छा हो गया तू जल्दी आ गई। अरे मुझे लगता है तूने आधे से अधिक सामान तेरा उन्हीं के घर पे छोड़ दिया ना, वरना कितनी बैग सोच। क्या जी, मैं अभी घर के अंदर घुसी नहीं हूँ तो शुरू हो गई। नहीं ले मेरी लाडली, मेरी लाडली आ गई। देख अभी तू वो सीता गीता को मिले, सॉरी सॉरी सनी की आई और मौसी से मिलने कभी भी जा सकती है, डरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। थैंक यू। तू आने की खुशी है बेटा। लेकिन एक बात का दुख है। मेरे आने पे दुख हो रहा है तुझे? नहीं रे, वो सनी वो गया ना अपने घर, कितना अच्छा लड़का है, घर के सारे काम का छोटे बड़े चुपचाप से करता था। मैं मेरे काम के लिए उस पर निर्भर कब हो गई मुझे समझ में ही नहीं आया। अरे कितने थोड़े समय वो हमारे घर का सदस्य बन गया। बहुत अच्छा लड़का। अब वो यहाँ पे नहीं है तो दूसरे मिस कर रही है। जब वो यहाँ पे था तो कितना काम करवाया, कितनी
डांट दिए तूने उसे, पता है ना? अरे क्या क्या नहीं करवाया, बर्तन भी मंजवाए हैं, सब किया रे। झाड़ू पोछा तो नहीं लगवाया? नहीं नहीं नहीं, वो डर मत। वो बर्तन मांजता था, मार्केट से सामान लाता था, सारे परिवार का ख्याल रखता था। अरे हमारा मानव जब हॉस्पिटल में बैठता था ना, तो उसके लिए डब्बा लेके जाता था, तेरे आजोबा की दवा के नाम और उनको देने का टाइम आजोबा से ज्यादा बेहतर वो जानता था। अरे उसी का फोन होगा, उसी का फोन हो। हेलो, हाँ बोल बेटा सनी, बोल। पहुंच गया तू? हाँ जी पहुंच गया हूँ, बस अभी भी पहुंचा। और कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना? आपके पड़ोस वाली चौल में तो रहता हूँ। हाँ एक तकलीफ जरूर हुई है। क्या? आपका घर छोड़ के आना पड़ा। एक मिनट बेटा, जो बात तूने अभी बताई ना वो जोर से बोल। आजी मैं आपको और घर के सभी लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ, और खास करके आपकी डांट को और उस डांट में छिपे हुए प्यार को। मैंने तुझे बहुत डांटा, तुझे गुस्सा भी आया होगा, बुरा भी लगा होगा। देख मैं आज ही ना तेरे से माफी मांगती हूँ, माफ कर देगा ना बेटा तू मुझे? नहीं नहीं आजी, कैसी बात कर रही हैं आप, मुझे कभी बुरा नहीं लगा, और घर में माँ भी तो मुझे कितना डांटती हैं। सो आपने डांटा तो क्या हुआ, आपने मेरी भलाई के लिए तो मुझे डांटा होगा ना? आप भी तो मेरी आई जैसी हैं। थैंक यू बेटा, ऐसे प्यार करना सबको, रखती हुआ जी। आजी घर वालों को ये बताने वाली हूँ कि परी तुम्हारी और मेरी बेटी है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि परी मेरी और पूर्वी की बेटी है, और जब से हमारी शादी हुई मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। भैया भैया मुझे ये चेन गिरवी रखनी है, जरा बताएंगे कितना आएगा? 6 ग्राम 700 वजन है, इसका 12,000 रुपया आएगा। अब एक काम करिए, आप वो चेन मुझे वापस कर दो। अभी तो आपने बोला था गिरवी रखना है सर। हाँ लेकिन वो चेन जो है वो मेरी पत्नी का। अरे ब्याज 1% कम लगाऊंगा सर। देखिए आप समझ नहीं रहे, आप चेन मुझे वापस कर दीजिए, मुझे नहीं देना है। भाई 12,000 के बदले 14,000 निकाल के दे इनको। अरे नहीं चाहिए मुझे, आप समझ क्यों नहीं रहे, आप चेन वापस करिए। अरे बाबा इतने सारे कस्टमर बैठे हैं, काय को चिल्ला रहे हैं आप इतने? ये रहा आपका चेन, काय को टाइम वेस्ट करने के लिए आया सुबह सुबह। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, शायद इतनी कि तुम मेरी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती, लेकिन प्लीज मुझसे कम से कम एक बार बात कर लो, मेरी पत्नी बनकर नहीं कम से कम एक दोस्त बनकर तो सही, प्लीज आई नीड टू टॉक टू यू।
ओवी आई मिस यू। ओवी क्यों चली गई तुम? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? जाने से पहले उस रात सब कुछ परफेक्ट था। कितनी खुश थी तुम। उस बारिश को बच्चों के जैसे कैसे एंजॉय कर रहे थे हम लोग। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि तुम एवरीथिंग इज परफेक्ट, और फिर अचानक से तुम चली गई। क्यों गई ओवी? अगर जाना ही था तुम रुकी क्यों उस दिन? ओवी प्लीज, इतने दिनों के बाद मैंने अपनी पुरानी ओवी को देखा था। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम भी चाहती हो कि ये रिश्ता बरकरार रहे। मैं कॉन्फिडेंट था कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन अगली सुबह तुम मुझे छोड़कर चली गई। मुझे अब तक बिलीव नहीं हो पा रहा ओवी, हाउ कुड यू डू दिस टू मी? और तुम्हारा वीडियो ओवी, तुम्हारे उस वीडियो ने मुझे तोड़ दिया। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस आउट ऑफ यू। जब सब कुछ ठीक हो रहा है तब सब कुछ छोड़कर चली गई तुम, क्यों? दिस इज नॉट फेयर। ओवी ऐसी नहीं हो तुम। मेरी हार मेरी जीत हर चीज में तुम मेरा साथ देना चाहती थी, फिर आज जब मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार फेस कर रहा हूं तो तुम क्यों मेरे साथ नहीं हो? ओवी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ। ओवी मैं देख रहा हूं कि तुम मेरे मैसेजेस पढ़ रही हो लेकिन फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। जब तक तुम मुझे रिप्लाई नहीं करती मैं लिखता जाऊंगा। ओवी प्लीज टॉक टू मी। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं कि तुम वापस आ जाओ? प्लीज अंडरस्टैंड। अरे ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ? कर रहे हैं मालिक। मालिक को कहा है ना, ये बक्से जो ना बहुत भारी है, और ये धूप ससुरी भीग गया पसीना में। लेकिन आप चिंता मत करिए, आप जौन काम दिया कर देंगे, कुछ ही देर में पूरा कर देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, जितने जल्दी हो सके ये काम पूरा करो। चाहो तो 50 क्या 100 रुपए देता हूँ। ठीक मालिक, 50 क्या अभी के लिए 500 देंगे तो भी जल्दी नहीं हो सकता है, काहे अकेले आदमी है, बखत तो लगेगा मालिक। ठीक है, जितना तुमसे हो रहा है उतना करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए कोई दूसरा आदमी देखता हूँ। ओके बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, बहुत। अरे अनिल बाबू, आप यहाँ कैसे? हाँ वो मैं रास्ते से गुजर रहा था तो तुम्हें बॉक्सेस उठाते हुए देखा तो सोचा मदद कर दूं। सोहम यहाँ पर एक और आदमी को काम मिल सकता है क्या? हाँ हाँ मिल सकता है ना, अगर हमरे को एक और आदमी की मदद मिले ना तो सभी बक्से का काम हम ले लेंगे। बुलाइए होगा अभी काम पे लगा देते हैं, अबे क्या भाई तुरंत। सोहम वो आदमी मैं ही हूँ। आप ही बक्से उठाए का काम करेंगे? लाइए हमका दीजिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। अनिल बाबा आपको ये सब शोभा नहीं दिया था, क्या कर रहे हैं? सोहम देखो मुझे काम की बहुत जरूरत है और कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं है। देखो तुम हमारे अपने हो, तुमसे तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ ना काम की। काम तो काम होता है, क्या छोटा क्या बड़ा, मैं कर लूंगा सोहम। देखना ना अगर मेरे लिए कुछ काम मिल सके तो। एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे मेरी कोई टेंशन नहीं है, मुझे बस मेरी पत्नी और मेरी बच्ची का टेंशन है। प्लीज ये सामान ऊपर पहुंचाना है। ठीक है। ठीक हूँ मैं।
क्या हुआ, काम खत्म हो गया? अरे सरकार देखिए तो सही, अब कुछ ही रह गया, 5 मिनट का काम है। अच्छा सरकार, अमी दो ऊपर रख के आबत है, जॉन पैसे बंदे ही को दे दीजिएगा। ठीक, मदद की है हमारी, दे देंगे। ठीक है। एक मिनट, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, न्यूज में। तुम वही आदमी हो ना जिसने बच्चे की अदला बदली की थी? क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर ओनिर्दन, राइट? देखिए, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई डॉक्टर ऐसा घिनौना काम कर सकता है, अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर सकता है। देखिए, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, देता हूँ, तुम जैसे लोगों को तो पैसे ही चाहिए। पता नहीं तुम लोग अपने परिवार के बारे में सोचते भी हो या नहीं। ये लो। कावा? कुछ नहीं, वो पैसे दिए। अरे का बात है, पूरे कर दिए हमको। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। चलो। लगता है ओनर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं, तभी तो उसे ये सब काम करना पड़ रहा है। मुझे जाकर देखना होगा। अरे सविता ताई, तू अभी तक नहीं सुधरी, चाली में थी ना वैसे ही है। आधे घंटे से दरवाजा टकटका रही थी, क्या कर रही थी अंदर? अरे वो मैं किचन में थी ना, असल में सामान शिफ्ट किया तो इतनी थक गई हूँ कि पूछो मत। खैर आप आई ना, बहुत अच्छा किया, आइए ना। आपको पता है आपके वो पूर्वी और ओनिर इस चौल में रहते हैं? मालूम है, मैं उनसे मिलने नहीं आई, मैं उनसे बात भी नहीं करी, मैं तुझे मिलने आई। आइए ना अंदर, आइए ना, यहाँ क्यों खड़ी हैं? यह दुनिया क्या कर रहा है? इतना सब कुछ होने के बाद भी पूर्वी और अर्जुन एक दूसरे से मिल रहे? पता नहीं ये पूर्वी कब सुधरेगी। अर्जुन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आई नो कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन मैं यहाँ तुमसे नहीं, मैं परी से मिलने आया हूँ। देखो, बहुत दिन हो गए, मैंने देखा नहीं उसे, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसे मिलूंगा, फिर चला जाऊंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज, आई जस्ट थैंक यू। अरे आप अभी भी यहीं खड़ी हैं, आइए ना अंदर। गर्म होता है ना अंदर, तो मैं हवा खा रही थी, अच्छा लगता है। ठीक है, चाय लीजिए। हाँ। Hey baby, oh my baby, oh daddy, oh shoo, hi, I'm a baby, guess I'm a princess, how you doing? तुम बुरा ना मानो तो मैं थोड़ी देर खेल सकता हूँ इसके साथ, प्लीज। अब हाँ। बहुत खुश हूं कि ये तुम्हारे साथ रह रही है, अपनी आई के साथ रह रही है। तुम्हें पता है इसको ऐसे हंसते हुए देख मुझे कितने दिन हो गए। हाँ बीबी, I'm sorry, मैं इस तरह से यहां आ गया, और मैं जानता हूं कि ओवी के इस तरह से चले जाने का रीजन तुम कहीं ना कहीं खुद को ठहरा रही हो।
शायद इसलिए मुझसे यूं दूर रहकर। देखो पूर्वी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी एक पर्सनल लाइफ है, मैं जिसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता, मगर मैं इसके बिना रह नहीं सकता पूर्वी। इसकी आदत ये हो गई है, माना मेरे साथ बहुत बहुत कम समय बिताया है इसने, लेकिन ये अब मेरे घर में नहीं होती है ना, तो वो खाली कर काटने को दौड़ता है। ये इसका रोना सुनाई नहीं देता तो ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। अर्चन, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ। देखो, अभी तक परी तुम्हारे साथ थी तो ओवी ने भी कहीं ना कहीं इसे अपनी बच्ची समझकर प्यार किया, उसे भी इसकी आदत लग गई। अर्चन, मुझे लगता है ओवी अभी तक परी को भूल नहीं पाई है। तुम उससे एक बार और बात क्यों नहीं करते? मुझे लगता है ओवी वापस आ जाएगी। देखो, मैं जानती हूं कि तुम्हें परी की याद आ रही होगी, लेकिन अर्जुन, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और वैसे भी मुझे कहा गया है कि मैं तुमसे ना मिलूं। आजी ने मना किया ना? देखो, हम सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। I'm sorry. पूर्वी, एक्चुअली मैं किसी और काम से भी आया था। क्या बात है? ये कुछ पैसे हैं परी के लिए। नहीं अर्जुन, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। देखो, मुझे पता था कि तुम ये पैसे नहीं लोगी पूर्वी, लेकिन ये परी की जरूरत है। बेटी है वो मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए जितना अच्छा हो सकता है मैं करना चाहता हूँ। और जिस क्राइसिस के दौर से तुम गुजर रही हो, कहीं ना कहीं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अर्जुन, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। मेरे लिए नहीं, कम से कम परी के लिए तो रख लो।